मायसेल्फ आशा सैनी, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट, सॉरी क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। लेसन थर्ड है मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों पिछले पार्ट में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन ही मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। सभी स्वरों की मात्रा होती है और परंतु ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मात्रा की परिभाषा। मात्रा की परिभाषा देखिए, किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं आप, अथवा उच्चारण के काल उच्चारण के काल मान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण के काल मात्र को ही मात्रा कहते हैं। दोबारा से देखिए मात्रा की परिभाषा। किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं, अथवा उच्चारण के काल मान को ही मात्रा कहते हैं, ठीक है। देखिए मात्रा कैसे कैसे बनती है, मात्राओं के चिन्ह देखिए। स्वर ये क्या है? स्वर, ठीक है। ए आ ई ऊ वी ए आई ओ औ अंग है, ठीक है। सॉरी इनको नहीं करना, ठीक है। इनकी मात्रा है स्वर की, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की मात्रा है ये डंडा, आ की मात्रा, ठीक है। छ
छोटी ई की मात्रा है ऐसे, बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, ओके। छोटा ऊ की मात्रा है ऐसे, बड़ा ऊ की ऐसी, ओके। वी की मात्रा होती है ये, ए, ए की मात्रा आई, आई की मात्रा ओ, ये है ओ, सॉरी ओ की मात्रा और औ, औ की मात्रा, ये क्या है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ, आ की छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा, वी, वी की मात्रा, ए, आई, ओ, औ, ओके। ये क्या है, मात्रा, क्या है ये, मात्रा, ओके। अब इनसे वर्ण बनाएंगे अपन, ठीक है। जैसे जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कै, ठीक है, इसमें ए है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, का, कै में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, का, क्या हो जाएगा, का, ठीक है। कै, कै में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, की, बड़ी की मात्रा कै में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी की, ठीक है। ऊ, अब कै में छोटा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो कू, कै में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो कू। वी, कै में वी की मात्रा बोलेंगे तो क्री, कै में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के, ठीक है, और कै में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो आई की मात्रा जोड़ेंगे कई, क्या बन जाएगा, कई, क्या बन जाएगा, कई, ओके। नेक्स्ट है, कै में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो को, क्या बन जाएगा, को, और कै में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो कौ, क्या बन जाएगा, कौ, ठीक है, क्या बन जाएगा, कौ। जैसे कै में ए की मात्रा जोड़ते हैं कै, कै की कोई मात्रा नहीं होती, कै में आ की मात्रा जोड़ते हैं तो का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, कै में री की मात्रा जोड़ेंगे तो ऋषि की, री, क्री, के, कई, को, कौ, इनमें मात्रा जोड़ने से ये वर्ण बनते हैं। जैसे कै, का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, कै में री की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा जोड़ी, क्री, के, कई, को, कऊ, ठीक है। नेक्स्ट एक बार इनको राइट कर दीजिए आप लोग। इन मात्राओं को आप एक बार राइट कर लीजिए, ओके। अब इससे नेक्स्ट देखिए, इनको दोबारा से देखिए एक बार। मात्रा की परिभाषा, मात्रा की परिभाषा, किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, अथवा अथवा उच्चारण के काल मान को ही मात्रा कहते हैं, उच्चारण के काल मान को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा है स्वर की, ए, आ, ई, ई, ऊ, वी, ए, आई, ओ, औ, जिनकी मात्रा है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये है छोटी की, बड़ी की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, वी की, ए, आई, ओ, औ।
अब इन मात्राओं को अपन वर्ण में लगाएंगे तो क्या बनेगा व्यंजन में जोड़ने से, के का छोटी की बड़ी की, छोटा को बड़ा को, की के कई को कऊ। ऐसे मात्रा लगाने से क्या व्यंजन कंप्लीट होते हैं, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ओके आज बस इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन लर्न करना है। ओके थैंक यू।